ने कहा आप लोगों को एक न्यूज देनी थी कि मुन्नी दीदी के क्या हुआ। देखिए हमारी चटनी हो ली है, तो इतनी तेज वाली मिर्च में डाल। हाँ फ्री है, फट्टो को पंगा ले लिया। ऐसे चलानी है शिवा शिवाशी घुमा। ये अरमान ने गेट खोल दिया पहली बार। और मैंने कहा आज मिंट टी पीते हैं। उबला हुआ पानी अभी हम चलते, रात को इतने ज्यादा पत्ते गिर गए हैं ना। देखिए सारी स्ट्रीट येलो हो गई है, गाड़ियां भी भर गई हैं। बारिश वाला मौसम है ना, तो हमारी गाड़ी भी पहले साफ करनी पड़ेगी। वैसे हम दूसरी स्ट्रीट में पार्क करते हैं, आज हमने इधर ही कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्ते गिर जाते हैं ना, तो फिर पहले सफाई करनी पड़ती है फिर चला सकते हैं। अवलीन आ जाओ बेटा। अवलीन तो पापा के साथ बातें करने लगी। कल अवलीन ने कोई गेम जीता वो बता रही है साहब को। आ जाओ आ जाओ, चलो मेरा बेटा। सुबह के बज गए 11। अवलीन मेरे को बोल के गई, कहती मम्मा पिछली बार आपने चने की दाल की रोटी बनाई थी, इस बार भी चने की दाल की रोटी बना कर देना। तो मैं अब चनों को पीस रही हूँ, कल मैंने दाल बना दी थी, परी वाले चने बनाए थे वाइट, आज मैं उनको पीस कर फिर डालती हूँ आटे में और उसके लिए बनाऊंगी रोटियाँ। आजकल जब से वो इंडिया से आई है ब्रेड नहीं खाती। अरमान को भी मैंने आदत अब कम कर दी ब्रेड खाने की, चाहे रोए कुछ मर्जी बोले अरमान को हमेशा रोटी मिलती है। सभी हम आटा छान लेते हैं और बीच में डाल देते हैं दाल मोटी मोटी। हमारा डो हो गया रेडी और अभी मैंने तवा रख दिया, बस बनाती हूँ रोटियाँ। साहब का पराठा बन रहा है, उनको दे देती हूँ बस लगा कर बटर। ये है मेरी थाली, चटनी रोटी और थोड़ी सी दही बस। साहब ने तो खा ली आधी, साहब की सब्जी अभी दूसरी रोटी इनकी, तो मेरी पहली है। टमेटो की चटनी बना कर दो तो मैं उनके लिए चटनी अभी बनाती हूँ। मिर्ची लेके आए हैं जिससे मैं चटनी बनाती हूँ। ये है हमारी टमेटो, मैंने इनको धो लिया और अभी हम ना इनको काट लेते हैं। काट कर ना छोटे छोटे पीस कर और अभी बनाएंगे चटनी। इधर मैंने थोड़े से काटे हैं, 1 किलो टमाटर आ गए 1.5 यूरो के, यहाँ पर तो बहुत महंगे मिलते ग्रोसरी स्टोर में। अभी हम डालेंगे लहसुन, काफ़ी लहसुन जाती है इसमें, लहसुन आज मैं लेना ही भूल गई, चलो कोई बात नहीं चटनी में। तो अभी हमने डाल दी लहसुन और फिर डाल देते टोमेटो और इसको पकाते हैं। जो मिर्च होती है ना वो मैं लास्ट में डालती हूँ, बस मिर्च का ही कमाल है। और एक चटनी मसाला होता है, गरम मसाला, सभी मसालों को मिक्स करके बनाया जाता है, यहाँ पर चटनी मसाला बोला जाता है। जब पूरे टमाटर पक जाएंगे तो फिर डाल दूँगी चटनी मसाला और इसको संभाल के रख देंगे, 15-20 दिन ख़राब नहीं होती। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। वैसे हम लोग बड़ों के साथ खाते हैं, जो मैं बड़े नहीं बनाती होती, इस बार बनाए नहीं, दिवाली पर बनाएंगे। तो मैंने कहा चलो चटनी तो बना दूँ, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, कभी कभी ब्रेड पर लगा के खा लेते हैं। अभी हमारे लहसुन हो रही गोल्डन ब्राउन, होनी शुरू हो गई साइडों से, तो अभी हम डालेंगे टमाटो। इसमें तो मैंने वेजिटेबल ऑयल डाला है, अभी हम लोग डाल देते हैं टमाटो। दूसरे भी मैं जल्दी से काट कर डाल दूँ। इसको ढक देंगे, ये बनती रहेगी, ऊपर से डालते हैं नमक। डाल दें बेटा, देखिए चटनी हमारी ऐसी हो गई है। और अभी मैं डाल देती हूँ इसमें चटनी मसाला थोड़ा सा, और मिर्च को मैंने ना अच्छे से कूट लिया। देखिए मिर्च डालकर मैं बंद करूँ क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा तेज है, बाहर भागना पड़ सकता है, इतनी तेज वाली मिर्ची है ये। इसको भी ढक के 5 मिनट पकाते हैं अच्छे से, मिर्ची भी पक जाए और मसाला भी, और फिर हम इसको डिब्बे में डाल के रख देंगे।
मैं थोड़ी देर पका के ना बाहर जाती हूँ अरमान को लेके। अरमान आवाजें लगा रहा है, कहता मम्मा बाहर लेकर चलो। देखिए तेल हो गया ना अलग, ऐसे होती चटनी ये वाली। थोड़ी सी पक जाए, मिर्च पक जाए इसमें, हमारी चटनी होगी रेडी। देखिए ठंडी हो गई है, मैंने निकाली नहीं उस टाइम, मैंने कहा ठंडी हो जाएगी ना फिर निकालूंगी। तो अभी हम एक डिब्बी में डाल के रख देते हैं, ये भर जाएगी तो काफी दिन तक चलेगी। अगर सब्जी थोड़ी फीकी है तो ये ले लो बस, बहुत टेस्टी हो जाती है। तेल मैंने थोड़ा ज्यादा डाला कि खराब ना हो। देखिए हमारी चटनी कितनी अच्छी लग रही है ना, अभी हम इसको खाएंगे। ये है मेरा नया कोट, मैंने कहा आज ठंड है तो आज नया कोट पहन के। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा सामान लेने और फिर अरमान को लेना टेडी बेयर जैसा, वो कहते हैं जिससे लिया था शॉप से, कहते बहुत गर्म है ये वाला। तो मैंने कहा चलो अब तो ठंड ही आएगी, जैसे बकरी नहीं होती। साहब का भी सेम है, साहब कहते हैं एक जैसे कोट पहने। मैं बकरा आप बकरी। चलते हैं, सोना अच्छा है, लफी को और हल्का भी बहुत है। मैंने सारा सामान ले लिया और अभी हम चलते हैं। दो हैगे पैकेट, फिर इतना सामान जाना नहीं झोले च। ओके चलो सारा ले लिया, आई तो दो चीज लेने थी चार ले ली, तो अभी चलते हैं। आइसक्रीम है, चलो अरमान कहता बाहर लेकर चलो, माँ को बैठने नहीं देना। आइसक्रीम खा रहा अरमान। कोट लो अपना, कौन सा कोट पहना, रेड के ब्लू? ये दीदी का ना, दीदी है ही नहीं। आजो कोट पहन लो, कौन सा पहन रहा बेटा? अरमान रेड वाला ले लो, बहुत ठंड है। चलो नहीं वो वेल्क ब्लू वाला, ब्लू उधर है बेटा, ब्लू इधर नहीं है। किसी ने कल से सामान रखा है और कोई लेकर भी नहीं गया। कितना बड़ा ये बेंच रखा है ना, कितना बड़ा बेंच है, किसके घर में जगह तो रख सकते। हाँ फ्री है, फट्टो को क्या करना है, किसी ने अलमारी खोल के फेंकी ऐसे, हमने भी कूड़ा फेंका यहाँ पर। हाँ मैं कुछ पीछे लगाया होगा ना, वो ही है। हाँ बेटा आ रही हूँ, हाँ? कुछ नहीं होता वहां पे, चलो चलो भाई आ गए। अभी हम प्लेग्राउंड, आज ठंड है तो यहाँ पर कोई नहीं दिखेगा, हमारा ही है। 2:15 बजे यहाँ पर बच्चे आ जाएंगे, अभी 2 बजे हैं, 15 मिनट बाद स्कूल से छुट्टी हो जाएगी बच्चों की। अभी अभी माँ बाप आने, मम्मा को दोगे झूठे अरमान? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ। भाग गए, भाग गया अरमान। मम्मा बैठ सकती है, एक मिनट बैठने तो दो फिर देना। चलो भाई दे दो मम्मा को झूठे, आप भी आओगे देखना। अरमान देता मेरे को झूठे, अरमान अरमान आजो 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 आजो, नहीं मानता। चलो मैं बैठती हूँ बेटा, आप दो मेरे को झूठे। अरमान आप भी बैठ जाओ मम्मा के साथ, अरमान आ जाओ ना बेटा, बारिश होकर रुक गई है, मौसम हो गया अच्छा, बारिश आने लग गई है, अरमान घर पर जाना नहीं चाहता। अरमान भीगो तो मत, कोट ले लो। अरमान का स्कूटर मैं यहाँ पर ले आई हूँ, ये भीग गया बेचारा।
अभी बच्चों को लेने आ रहे हैं माँ बाप। बारिश में आज बच्चे आएंगे। अरमान क्यों ठंड में मर रहे हो, इधर आ जाओ। हाँ जो आ जाओ, मैं भी आ गई पेड़ के नीचे। ये बचाएगा आज मेरे को। बच्चे को पता नहीं क्या, बारिश में भी ठंड में भी मन नहीं करता घर पर जाए। हाँ पाला वधिया कीता पुत्र, पाला पाला जिप बंद करो, अपने आप जिप बंद करो। वेरी गुड, ट्राई करो। हाँ टीचर सिखाते हैं ना, खुश। ओ एक कोई लाओ मैं करूँ, फिर से करता है दूसरी बार। चलो भाई टोपी भी ले लो, फिर भीगोगे नहीं। चलो बाय, खेल लो बाय। चलो हो गया तो खेलना ही है, चाहे टोपी पहनाऊ। अब इसको भी पता चलता है कि गिल्ला हो रहा हूँ। मैंने सोचा आज मैं भी ले लूं। सावन के महीने में, सावन का महीना तो नहीं है पर नहीं ले सकते, जोर ही नहीं। अरमान मम्मा भी झूठे ले रही है, नहीं मेरे पीछे जाएगी। हाँ 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 पंगा ले लिया। ये ना बकेट बाइक है, जो बच्चे स्कूल के बाद क्रैश जाते हैं ना उनको लेके जाती है। यहाँ पर ये बहुत है। अब दूसरे स्कूल को छुट्टी हो रही है, अवलीन के तो अभी लेट होगी ना। ये अवलीन का स्कूल 3 बजे फ्री होता है ना, जो हमने आपको अभी स्कूल दिखाया वो 2:15 बजे फ्री होते हैं वहाँ से बच्चे। 2:15 हुए हैं अभी, 2:15 छुट्टी हो जाती है उनको। और जो ये वाली बाइक मैंने अभी दिखाई ना, ये बैंड हो गई थी क्योंकि ये रेल की पटरी पर अटक गई थी, 2 साल नहीं आई। या इसमें ना 8-7 बच्चे बैठ जाते हैं आराम से, और लाइट पे चलती है 1 मिनट में इधर से उधर, क्योंकि नज़दीक ही होती है ना क्रैश। तो जब अवलीन जाती थी ना क्रैश, एक बार मैं भी इस पर बैठ कर गई टीचर के साथ, मैं और अवलीन, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो अभी हम लोग चलते हैं घर पर। अरमान ने सारी बाइक गंदी कर ली, अरमान बिल्कुल गंदी कर ली। क्यों उल्टे हाथों से पंगे लेते हो, ऐसे चलानी है? अरे वाह अरमान, अब नया स्टंट करेगा। है अरमान, आजा आजा। शिवा 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 करो फिर, शिवा 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 शिवा। अरमान को मैंने चाबी दिया, मैंने कहा अरमान गेट खोलेगा। ये नहीं जाती, ये साइकिल की है बेटा, ब्लू वाली। हाँ ब्लू वाली, ये हमारे घर की चाबी है बेटा। वेरी गुड। दूसरी साइड अंधकांत अंध सुंदर, हाँ ये वाला। चलो 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 चलो, लास्ट बार, और 3-4 बार घुमानी पड़ती है। घुमा, ये अरमान ने गेट खोल दिया पहली बार। अरे बार मत, वेरी गुड बेटा। लो मम्मा को चाबी दे दो निकाल कर, ऐसे ऐसे ऐसे, थैंक यू। हाँ इसको नहीं देनी, नहीं तो बाहर ही ना भाग जाए। चलो कोट उतारो। मैंने कहा आज मिंट टी पीते हैं और थोड़ा सा ना मिंट लेके जाती पत्ते तोड़ के ना, थोड़े से पत्ते डालेंगे। काफी हो गया, कभी नहीं हुआ, बहुत सालों बाद मेरे पास इतना मिंट आया। तो मैंने कहा चलो आज शहद डाल कर पीते, शायद मेरा गला थोड़ा ठीक हो जाए, खराब है ना। तोड़कर इसको गर्म पानी में धोकर डाल देंगे, थोड़ा सा हनी डाल दूंगी और वो ट्राई करते हैं आज। मन कराया, वैसे ही बढ़ जाता है जितना मर्जी। कल परसों मैंने चटनी बनाई, मैंने कहा कहीं ख़राब ही ना हो जाए, तो उतना फिर से आ गया। देखिए एक हाथ में ना मेरा कैमरा है, एक हाथ में। चलो इतना सा बहुत है, चलते हैं। तो अभी हम पुदीने को धोते हैं, साफ कर देती हूँ थोड़ा सा, क्लीन करके ना ऐसे ही डाल दूंगी साबुन से।
गिलास में डाल देते हैं, डालकर अभी हम डालते हैं उबला हुआ पानी। ये है मेरी टी। मैंने सोचा ना कि अब से मैं चाय कम करूंगी, दोपहर को मिंट टी या कुछ और लेमन टी लिया करूंगी। ग्रीन टी तो मेरे को बहुत कड़वी लगती है, मैं नहीं वो पी सकती, तो मैंने कहा चलो मिंट टी पीते हैं। बाहर से आए, थोड़ा सा ठंडा मौसम है, मिंट टी पी लेते हैं। अरमान वेट करो मैं आपका ले जाऊंगी, तो जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी ना फिर इसमें शहद मिलाऊंगी थोड़ा सा हनी, जब घर में है। हाँ बेटा घर में, बेटा घर में प्लीज। नो बेटा घर में अमर। थैंक यू अरमान। हाँ आपके लिए एप्पल काट दूं? एप्पल खाना? हाँ पहले शूज उतारे, कोट उतारे ना फिर देती हूँ। तो मैंने कहा चलो अभी अरमान को दे देते हैं एप्पल, है ना अरमान? हाँ ये मैंने आपके लिए प्लेट निकाली, आप ये नहीं चाहते, आप ये वाली कौन? ओके आप ये वाली प्लेट नहीं चाहते। अरमान कहता मैंने ये वाली कौली लेनी है, है अरमान? हाँ अरमान थोड़ी देर बैठेगा टीवी देखेगा, उतने में मैं अपनी चाय पी। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, अरमान बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है ओके खा लो फिर। हाँ ओके कोट उतार दो, जाओ फिर आप बैठ जाओ, इसको निकाल कर मेरे को दे दो। ओके हाँ मैं तो चप्पल पहनी बेटा, अरमान कहता घर वाले चप्पल भी उतारो। ओके मैं उतार देती हूँ, ठीक है ओके बाय, जाओ बैठो टीवी लगाती हूँ। चाय पी ली है मैंने। मैंने कहा आप लोगों को एक न्यूज देनी थी, आप लोग कब से पूछ रहे थे कि मुन्नी दीदी के क्या हुआ बहुओं को, तो रोज ही भूल जाती हूँ बताना। काफी दिन से बेबी हो गए उनके, उनकी बड़ी बहू को भी बेटा हुआ है और छोटी बहू को भी बेटा हुआ है, बेटी के भी बेटा हुआ है, तो उनके तीन छोटे छोटे बेबी हुए हैं। अभी तो आई नहीं, मम्मी कहती फोन आया था, कहती आंटी बेटा हुआ हॉस्पिटल में है। हाँ बेटा दही लेनी आपने? कहते छोटे वाली बहू का तो नॉर्मल बेबी हुआ और बड़े वाली का सिजेरियन हुआ, तो इसलिए मुन्नी आ नहीं पाई, हॉस्पिटल में थी ना। तो चलो वाहेगुरु का शुक्र है कि सब ठीक ठाक है, बच्चे भी ठीक है और उनकी मम्मियाँ भी ठीक है। कब से बेचारी वेट कर रही थी, कहती दीदी आप चले जाओ फिर आए बेबी, नहीं तो मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी। तो हमारे आने से तो काफी टाइम बाद हुआ है, एक महीना बाद बोला था, हमारे आने से एक महीना बाद ही हुए हैं बच्चे। अरमान अभी खाकर एप्पल, अभी दही खाता है, आराम से अपना टीवी देख रहा है। कहता मम्मा स्पाइडर मैन लगा दो, वो लगाता है, मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। तीन बज गए हैं, लीजा आ गई है, आज बेचारी पूरा भीग कर आई है, देखना। आज मैंने उसके लिए कल कोट भी निकाला पर फिर भी अपना कोट नहीं लेकर गई, अभी देख रही है बैग में क्या है। दूसरे बच्चे भी जा रहे हैं, अभी अवलीन भी आ जाएगी। अब ज्यादा बारिश आ गई बेटा, हाय हाय सारे भीग गए। आ जाओ पहले सर पहुंच लो, है सर पहुंच कर फिर कुछ चाय वगैरह पियो। मैंने आपके लिए दूसरा कोट निकाल के रखा था बेटा, टोपी वाला, आप क्यों नहीं लेके गए? इसलिए आज भीग गए, आज सारा दिन ही बारिश बताई है। आपका बैग भी गिला होगा, पर बैग हमने इसका ऐसा लिया चाहे गिल्ला हो जाए पर इसकी किताबें नहीं गिल्ली होंगी। दिखाना बेटा आपका बैग, अंदर से तो साफ है ना, अंदर कुछ लगा हुआ ऐसे है, बैग इसका ठीक है। बेचारी सारी भीग गई, बाल भी भीग गए, पापा भी आ गए। और सारी गिल्ली हो गई। स्टोर रूम में ना घी रखा था जो हम लेकर आए इंडिया से, साहब कहते मैं खोल कर देता हूँ। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है ना देखने में, ये वाला पतंजलि
ये मेरे को सेम ही लग रहा है, खुशबू चेक करो। इसमें मत डालो, इसे हाथ कट जाता है। खुशबू से चेक करें। हाँ बेटा, मोबाइल आपका फोन वो रहा मोबाइल। हाँ मोबाइल, पता क्या जब ठंड हो जाती है तो निकलता ही नहीं, मेरे से तो बिल्कुल नहीं निकलता, ये इतना हार्ड हो जाता है। मेरी आदत भी है, मैं घी फ्रिज में ही रखती हूँ, खराब ना हो जाए। घी तो वैसे ही खराब नहीं होता, एक किलो और पड़ा सा पंजीरी बना देना उससे, है ना, हेल्थी वाली थोड़ी सी, अलसी डालकर मेथे डालकर, है ना, गूंद काजू बादाम, ऐसे तो खाए नहीं जाते, क्या करें। अभी सर्दियाँ आ गई, नेक्स्ट मंथ बनाएंगे थोड़ी सी। चूल्हा पर पंजीरी, चलो जी। हाँ चूल्हा मिस कर रहे हैं, आज बना कर देती हूँ आपको चूल्हे पर नान। हाँ ठीक, चलो आ दे। घी डाल दो फिर। ये ना वाइट है थोड़ा, है ना, नहीं ऐसे ही लग रहा है। आधा ही डालना, आधा फ्रिज में रख, जब खत्म हो जाएगा ना फिर डाल देंगे, क्योंकि ऊपर ये भी आएगा पुराना भी, है ना। देखना फर्क। फर्क तो कोई नहीं लग रहा, थोड़ा है मेरे को तो, पतंजलि ज्यादा अच्छा है ना। अवलीन जब स्कूल से आती है तो 10 बार जफ्फी देती है ना। कितने बार देते हो? 10। कहती मम्मा स्कूल पर बहुत मिस करती हूँ। मम्मा का तो टाइम सफाई में ही निकल जाता है बेटा। रेजन कितने रखे? वो पीछे पड़ी है। पीछे कितने? अरमान क्या हो गया? हैं? आ जाओ, आपने भी जफ्फी डालनी, आ जाओ। खा रहे हैं क्यूकम्बर। क्या ऊपर करूं, नीचे से ऊपर करूं? ओके रहने दो, नहीं उतर, नहीं उतर अरमान। आए अरमान मेरे हाथ। लाइक मी आल्सो। हां नहीं होता बेटा। मैं YouTube पर अटैक्सी टेक करना और ये वीडियो लगाना और आपके बच्चे को यहाँ पा दो और ऑन करो। देखना अवलीन क्या कर चलाओ फिर हम कैसे जा रहे हैं। चलेगा बहुत ऊपर चलेगा, बस मेरे पास चलो अभी हो गया शुरू, आ गया आ गया। ये तो बहुत स्लो चल रहा है। हाँ अब ऊपर है, अब हो गया तेज, हो गया हो गया। गया 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 गया। अरमान के साथ खेलती है अवलीन। ओ बहुत तेज हो गया अवलीन, अब तो और तेज हो गया, बिल्कुल तेज हो गया। अरमान भी ना अवलीन के साथ खुश रहता है। चलो बेटा ये वाला सामान इसमें डाल दो। हाँ छोड़ दो, ये डालो बेटा दोनों। अरमान ओ पॉप लाइन, तुम यहाँ बैठो, यहाँ इजी हो जाएगा, मुझे यहाँ हैंडल है। अरमान ये इसमें बैठ जाओ। शैम्पू फिर से। अरमान बाल धो रहा साहब के। मसेर मसेर मालिश करो, अब बाल धो दो, पानी डाल दो, पानी डालो, पानी डाल दिए, चलो बाल भी धो दो पानी से, बाल धो दिए, अब सुखा दो, ड्राई कर दो बेटा, काटने नहीं बाल, अब कोम कर दो अरमान, बालों को कंघा कर दो। अच्छा पहले सुखा रहा है, हर कम हो। अब सेट कर रहा, देखना सारे काम आते मेरे बेटे को। हार क्लिप, बाल काटो, क्लिप क्लिप नहीं, अब तो सेट कर रहा है, वो क्लिप नहीं करेगा, ऐसे काटते हैं। हार क्लिप खुल सर।
अब पापा को किस करो। मोई हाँ ब्यूटीफुल बन गए। दो ये काम तो कर दी। मैं हो गई हूँ फ्री फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। मिलते कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।